बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम। आज के राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जो आज हमारे मंच में विराजमान हैं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जोरदार माननीय मंत्री जी का ताली बजा स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सम्माननीय शर्मा जी, मंत्री सम्माननीय जयसवाल जी, मंत्री सम्माननीय टंकराम वर्मा जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय विधायक साथीगण, मंच में उपस्थित सम्माननीय सभी नेतागण, पंचायत विभाग के सचिव, जिला के कलेक्टर जी और यहां पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी सम्माननीय सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के सदस्य, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले तो मैं हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा प्रदेश स्तर के सभी सरपंच, जनपद, जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और यहां पे आप यही कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के सरपंच 5 साल तक क्या स्थिति परिस्थिति है उसको हम भली भांति समझते हैं, लेकिन आप लोग आशीर्वाद दिए, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और आप लोगों के आशीर्वाद से यह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आप लोग बनाने में सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूर्व के भांति नहीं, अभी हमारे पंचायत मंत्री यंग हैं, दौड़ने के लायक हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में निश्चित रूप से विकास के काम होगा और विकास के काम मिलेगा, यह आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। वैसे आप सब जानते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच अपने गांव के विकास के लिए कहीं से भी राशि स्वीकृत हो इसके लिए प्रयास करते हैं और अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा लगन के साथ काम करते हैं। उसी प्रकार जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज है, इन सब का मुख्य काम है उन अंतिम पंक्ति में गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वहां तक के लाभ पहुंचे, इसके लिए आप लोग काम करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, हकीकत में जो सरपंच सक्रिय है, जो सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं, जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के गांव के विकास के लिए काम करते हैं और उसका निश्चित रूप से एक दूसरे पंचायत में, उस ब्लॉक में उसका संदेश जाता है। और आज यहां भी बता रहे थे जितने मंच में विराजमान मंत्रीगण हैं, सब आप ही लोगों के विभाग से, पंचायत विभाग से यहां मंत्रिमंडल में आकर के शामिल होकर के मंच में विराजमान है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, गांव में अच्छे ढंग से विकास कीजिए, स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाइए और अपने पंचायत के उन जितने भी हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनकी सेवा कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा और आप लोग भी आगे ऊपर बढ़ेंगे, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज आप सब जानते हैं सम्माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो काम कर रहा है वो आप लोगों के समक्ष है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु देव जी का सरकार चल रहा है और बहुत कम समय में ये छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हुए थे, जो हमने घोषणाएं किए थे मोदी जी की गारंटी के तहत, हम उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। और 12 तारीख को भी हमारे जो किसान भाइयों के लिए है उसका भी घोषणा था, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। इस तरह मैं आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के जितने भी काम हैं इसे आप लगन से और अच्छे ढंग से काम कीजिए, ताकि आपका भी नाम उस मंडल उस विधानसभा क्षेत्र में अच्छे ढंग से जाए। आप सब जानते हो आज ग्राम पंचायत में जो 50% आरक्षण देने का काम भी हमारे पार्टी के द्वारा किया गया है, आज खुशी होता है 50% महिलाएं और 50% पुरुष आप लोग मिलकर के गांव के विकास कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़े खुशी का बात है। आज तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे बीच केंद्रीय मंत्री जी आए हैं और वो विस्तार पूर्वक आप लोगों को सभी बात रखेंगे और हमारे पंचायत मंत्री जी भी विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। मैं तो आप लोगों के सम्मान के लिए खड़ा हुआ था, आप सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सरपंच जनपद जिला पंचायत के सदस्य सब उपस्थित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।